प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत कर दी है। 14 सितंबर को उन्होंने डोडा में अपनी पहली चुनावी रैली की। इस दौरान मोदी ने एक घटना का भी जिक्र किया जो 7 सितंबर को अमेरिका में हुई थी। मोदी बोले, अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादा को उजागर करने वाला विषय है? नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मोदी ने किस घटना को लेकर ये बात बोली, क्या है पूरा मामला, आपको तफसील से बताते हैं। पहले सुनिए मोदी ने क्या कुछ कहा। साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता। दरअसल यह आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान एक पत्रकार से मारपीट की गई। पत्रकार का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बारे में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस IOC के अध्यक्ष हेमंत प्रीतोदा से सवाल किए थे, जिसके बाद राहुल गांधी की टीम ने वीडियो डिलीट करने के लिए कहा। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मारपीट की गई और उनका फोन छीन लिया गया। फोन से सारे फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक भारतीय पत्रकार ने बताया कि सेम ने 4 सवालों के अच्छे से जवाब दिए, लेकिन फिर आखिरी सवाल उनसे पूछा कि क्या राहुल गांधी USA सांसदों से बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस पर सेम ने जवाब दिया कि ये राहुल गांधी और सांसदों पर निर्भर करता है कि वो किस मुद्दे पर बात करेंगे। इसके बाद कमरे में मौजूद एक शख्स ने चिल्लाते हुए कहा कि ये सवाल विवादास्पद है। इस सवाल के बाद राहुल गांधी की टीम ने मेरा फोन छीन लिया और बंद करो चिल्लाने लगे। इस पर सेम और मैं दोनों चौंक गए। इसके बाद उन्होंने सेम को जल्दबाजी में राहुल से मिलने एयरपोर्ट भेज दिया। फिर वो लोग मेरा फोन छीन कर ले गए और फोन से सारे फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए। उसके बाद भी मैंने सेम से इंटरव्यू करना चाहा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब इस पर सेम की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है, उस दिन पत्रकार के साथ अच्छी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसकी जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि सेम ने कहा कि पत्रकार को पहले उनसे बात करनी चाहिए। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।